हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि अर्थ की मूवमेंट के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था उसके अलावा कि दिनों रात कैसे होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ पर जो है ग्लोब क्या होता है, लेटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अर्थ का शेप कैसा है। अच्छा, जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब कि वो उसके पोल्स पर से, कहाँ से, हल्की सी चपटी है, इसलिए जो उसका शेप राउंड ना होते हुए कैसा है, जियोइड है। कैसा है? जियोइड है। अच्छा, और हमने एक दूसरी चीज पढ़ी थी कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है। अगर बात करें तो अर्थ अपनी एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके ऑर्बिटल से कितनी झुकी हुई है, तो कितनी झुकी है, 66.5। कितनी झुकी हुई है, 66.5। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ का शेप राउंड में ना होते हुए कैसा है, कैसा है, जियोइड है। और अगर हमको ये भी पता है कि अगर अर्थ के मैं बात करूं ट्रू मॉडल की, तो अर्थ के ट्रू मॉडल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्लोब। अर्थ के ट्रू मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्लोब। और आपने जब इस ग्लोब को देखा होगा तो आपने बहुत सारे कॉन्टिनेंट जितने भी हैं वो भी देखे होंगे, सारी कंट्रीज भी देखी होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोब में जिस रेशो में किसी कंट्री को दिखाया जाता है, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में या पूरी अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो उसका एरिया जो होता है वो उसी रेशो में होता है। समझ में आया? मतलब या तो मैं बात कहूँ कि अर्थ का और ग्लोब पर देशों का रेशो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? सेम। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये अर्थ है, मैंने क्या कहा, ये अर्थ है। ये अगर अर्थ है तो अगर मेरे को एक बात बताओ कि आपको, मान लो कि मैंने कहा ये इस जगह पर आपको जाना है, कहाँ जाना है आपको, इस जगह पर आपको जाना है, इस जगह पर आपको जाना है, तो इस जगह पर जाने के लिए आपको, आप मान लीजिए यहाँ है, आप कहाँ हैं, तो क्या आप सिर्फ अंदाजे के जरिए यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे और मिल जाएगा क्या आपको? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इंडिया में, कहाँ मैंने कहा, इंडिया में, इंडिया में एक जगह पर मैंने एक गांव देखा है, उस गांव का मैं आपको नाम भी बता दूंगा, क्या बता दूंगा उस गांव का मैं आपको, तो क्या आप उस जगह पर चले जाएंगे क्या, या आपको उस जगह का एड्रेस पता चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए, किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए, किसी जगह के एड्रेस को बताने के लिए हमने जो है दो इमेजिनरी लाइनों का सहारा लिया। किनका? दो इमेजिनरी लाइनों का सहारा लिया, जिनको कहा जाता है लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है? लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ये आपको बता दूं, चलो सर दो की जरूरत क्यों पड़ी, दो की जरूरत इसलिए पड़ी कि सिर्फ लेटिट्यूड की सहायता से भी हम एड्रेस डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही सिर्फ जो है लॉन्गिट्यूड की मदद से हम एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। किसी एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं लेटिट्यूड की, किसकी बात करेंगे, लेटिट्यूड की। सर लेटिट्यूड क्या होता है, सर लेटिट्यूड क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं, क्या अर्थ पर रियल में ऐसी लाइनें हैं, रियल में ऐसी लाइनें, ये तो पहली बात तो ये कि जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइंस मींस कि हमने इन लोग इनकी सिर्फ इमेजिन किया है कि यहां से ये लाइन निकल रही है, ताकि हम लोगों को किसी भी जगह के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम किसी भी जगह के एड्रेस को डिफाइन कर सकें, ठीक है ना। आप लोगों को लगता होगा सर गूगल मैप का यूज़ करके मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन गूगल मैप भी जो है वो इसी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को देखकर आपको रास्ता दिखाता है। आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन में तो रास्ते नहीं होते ना कि रास्ता इधर मुड़ रहा है तो मुड़ जाएं। तो एरोप्लेन्स वगैरह जितने भी रॉकेट्स वगैरह होते हैं, ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं लेटिट्यूड क्या होता है। सर क्या होता है लेटिट्यूड, क्या होता है? तो मैंने आपको कहा था कि लेटिट्यूड मीन्स अर्थ पर खींची गई आड़ी लाइन है। कैसी लाइन है? आड़ी लाइन है। आड़ी लाइन है का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए अर्थ, ये क्या है आपको,
तो मैं अगर कहूं कि ये जो मैंने खींची है तो ये देख आपको दिख रही है, ये क्या कहलाएगी? लेटिट्यूड। अर्थ की सरफेस पर इमेजिनरी, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि कैसी है, टेढ़ी है, लेटी हुई है, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उनको? उनको क्या बोलेंगे? लेटिट्यूड। क्या बोलेंगे? और सिर्फ लेटिट्यूड की वजह से हम किसी को बता नहीं सकते, ठीक है? तो सम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड की मैं बात करूंगा। किन की बात करूंगा? क्या बात करूंगा मैं? सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स क्या अगर मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींची गई जो अर्थ को, जो अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, जो अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, और तो ये अर्थ के बीच में होगी, अर्थ के बीच में होगी, तो जो लाइन दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे उसका नाम क्या होगा? इक्वेटर। क्या होगा? अरे जो इक्वली यानी बराबर, और इक्वेटर यानी बराबर करने वाली। तो ऐसी इमेजिनरी लेटिट्यूड, ऐसी इमेजिनरी लेटिट्यूड जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर जो होती है, ये जो लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये मूव करते हैं डिग्री में, एंगल्स में मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? एंगल्स में मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? एंगल्स में। तो अगर मैं बात करूं इक्वेटर लाइन का जो है, इक्वेटर लाइन का एंगल कितना होगा? तो जब सीधी लाइन होती है तो कौन सा एंगल होता है? जीरो। कौन सा होता है? जीरो डिग्री होता है। दैट मींस कि ये कितनी डिग्री पर है? जीरो। कितने डिग्री पर है? जीरो पर। चलिए ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये क्या हो गई? ये दो पार्ट में। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को क्या बोलूंगा मैं? साउथ हेमिस्फीयर बोलूंगा। ये दो पार्ट में डिवाइड भी करती है अर्थ को इक्वली पार्ट में। अगर मैं कहूं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यू गेट दैट? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात हम करेंगे तो देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। तो सम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड, सम इंपॉर्टेंट, अब क्या होता है? लेटिट्यूड जो होती है, क्या होती है? लेटिट्यूड जो होती है ये पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब आप जानते हैं? पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइनें जिनको कहीं इनफाइनाइट तक खींचा जाए। इनको कहां तक खींचा जाए? इनफाइनाइट तक खींचा जाए तो भी इनके बीच के जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? यानी कि अगर मैं बात करूं कि दो लेटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहां पर, इस पर आप आड़ी लाइन देखेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? इक्वेटर लाइन दिखाई दे रही है। कौन सी लाइन दिखाई रही है? इसी के पैरेलल नीचे जो लाइन खींची गई है, तो यहां अगर उसमें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो इसी पोर्शन पर भी जो उसकी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। यानी उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमेशा सेम होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है? एक्सिस पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसके कारण, इस 23.5 डिग्री के टिल्ट के कारण जो है अर्थ के, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मौसम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना? अब उस मौसम पर पड़ता है तो इसीलिए 23.5 डिग्री पर, कहां 23.5 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन और खींची जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है उसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है। क्या बोला था? ऊपर वाला। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 23.5 डिग्री एंड नॉर्थ लेटिट्यूड। हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ। तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ को मैं लिख देता हूं शॉर्टकट फॉर्म में, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी के पैरेलल में एक लाइन और खींचता हूं। अब ये नॉर्थ में है या साउथ में है? तो साउथ में 23.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड पर एक और लाइन है जिसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, वापस से हम नॉर्थ लेटिट्यूड में चलते हैं, वापस से हम एक, मैंने कहा था कि अर्थ अपने ऑर्बिटल से जो अगर देखा जाए तो कितने पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। तो अब एक 66.5 डिग्री पर एक और लाइन खींची जाती है,
क्या 66 एंड हाफ डिग्री पर। इसको क्या कहेंगे हम, इस लाइन को इसको क्या कहेंगे हम, आर्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे? और अगर वैसे ही अगर मैं बात करूं साउथ में 66 एंड हाफ डिग्री पर साउथ लेटीट्यूड पर, तो हम इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, हम क्या कहेंगे इसको? अंटार्कटिक सर्कल। तो अगर मैं बात करूं ये जो चार लाइनें हैं, ये जो चार लेटीट्यूड्स हैं, चार इमेजिनरी लाइंस हैं, इनका अर्थ की क्लाइमेट पर, वेदर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं फॉर एग्जाम्पल, और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो हम, मैंने कहा चार इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी, आप मेरे साथ बताएंगे चार इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट वाली अगर ऊपर से मैं बात करूं, सबसे ऊपर कौन रहेगी? देन उसके बाद, देन उसके बाद, एंड देन लास्ट। तो क्या ये चार ही लेटीट्यूड्स हैं क्या? दीज फोर आर इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स। ये चार जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है। और जैसा कि मैंने कहा ये चारों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? Parallel. ये आपको समझ में आ गया? Yes, समझ में आ गया ना? Yes, चलो अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम किसकी? लॉन्गिट्यूड की। किसकी बात करेंगे? Longitude. और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? अर्थ हो गई। ये क्या हो गई हमारी? अर्थ हो गई। क्या हो गई? अर्थ हो गई। चलो अब जैसा कि हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये वाला रीजन क्या है? और ये क्या है? ये अगर मैं कहूं तो क्या है? नॉर्थ पोल। और ये अगर मैं कहूंगा तो क्या कहलाएगा? साउथ पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साउथ पोल कहलाएगा। तो लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी लाइन, लॉन्गिट्यूड यानी, और जैसा कि आपको पता है कि ये भी क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या है? तो अगर मैं कहूं कि लेटीट्यूड्स जो होती हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड जो होती हैं, वो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती है। कहां तक जाती है? एक पोल से दूसरे पोल। तो ये जो है आपको क्या कहलाएंगी? ये क्या कहलाएंगी? खड़ी लाइनें क्या कहलाएंगी? ये क्या कहलाएंगी? बहुत बढ़िया। ये क्या कहलाएंगी? क्या मेरे को बताएंगे ये पैरेलल होती है क्या? क्या होती है ये? जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर क्या, एक ही पॉइंट पर, एक ही पोल पर मिल रही है। तो मैंने कहा था कि ऐसी लाइनें जो कभी ना मिले, जो कभी ना मिले, वो क्या कहलाती है? पैरेलल। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये क्या कहलाती है? ये पैरेलल कहलाएंगे क्या? और अगर मैं बात करूं कि एक सीधी लाइन, ये जो लाइन है ये आपको पता है ये अर्थ को वापस दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, कर रही है ना? तो इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? ईस्टर्न। बहुत बढ़िया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बढ़िया, अर्थ वापस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हमारे पास अगर बात करें, चलो अब बात करूंगा मैं किसकी? जीरो डिग्री की। किसकी बात करूंगा? ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये कौन से कोऑर्डिनेशन पे है? कौन से डिग्री पे है? तो अगर मैं बात करूं जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड की, किसकी बात करूं? मैं अगर बात करूं जीरो डिग्री, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? लॉन्गी लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा जाता है? जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? और जीरो डिग्री लेटीट्यूड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अब बात करेंगे आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है। क्लियर है? चल अब हम इसका इंपैक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे हम इसका? इंपैक्ट देखेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, हम नेक्स्ट डायग्राम नया बनाएंगे। चलिए इक्वेटर लाइन क्या करती है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। चलो अब हम ये बना रहे हैं, एक ये डायग्राम बना रहे हैं, ये अर्थ है। क्या है ये? अगर मैं कहूं ये लाइन जो है ये क्या है? ये क्या है? जीरो डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटर बोलेंगे। एक और लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ये 23 एंड हाफ डिग्री पर है। कहां है? 23 एंड हाफ। इसको क्या बोलेंगे हम? कैंसर बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी गुड। एक और लाइन जो है ऊपर 66 एंड हाफ डिग्री पर है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक बोलेंगे। एक एज इट इज
सॉरी आर्कटिक सर्कल, क्या बोलेंगे ऊपर वाली को और नीचे वाली को क्या बोलेंगे? ओके अब हम बात करेंगे ये नीचे जो 23.5 डिग्री पर है इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री पर इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड जो नीचे सबसे लास्ट वाली है 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, साउथ लेटीट्यूड नॉर्थ, ये ऊपर वाली नॉर्थ लेटीट्यूड में, कौन से में है? कौन से है? नॉर्थ लेटीट्यूड में। अब ये हो गए अर्थ, आपको समझ में आ गया? बीच वाली लाइन कौन सी है? इसके ऊपर नॉर्थ लेटीट्यूड में 23.5 डिग्री पर, उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर, नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर, और उसके नीचे आएंगे हम 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर अंटार्कटिक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये सन है, क्या है ये? ये क्या है? बहुत बड़ा सन, क्योंकि सन को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा। क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी बना ली है, अर्थ की हमने क्या कर ली है? बड़ी बना ली। आपको ये चारों समझ में आ गई है? समझ में आ गई है ना? चलो अब हम कर देखते हैं कि सर आपने कहा था कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का जो होता है ये इसके झुकाव के कारण जो है अर्थ के क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, आपने कहा था, मैंने कहा था ना ऐसा? तो अब हम समझेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, अब हम समझेंगे क्या फर्क पड़ता है। चलो मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? अर्थ। इधर थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? बीच में क्या है? इक्वेटर लाइन। ये क्या है? ये क्या है? ओके ये क्या है? ये कौन है? ओके मान लीजिए कि ये अब हमारा क्या है? सन है। ये क्या है हमारा? क्या है ये हमारा? सन है। चलिए सन से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है, रेज मिलती है, एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अभी हम बात करेंगे रेज की, बात करेंगे रेज की यानी किरणों की, सनलाइट की किरणों की बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब जैसा कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है, कौन सा वाला रीजन? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक का, यानी कि मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक के लेवल के, तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये अर्थ के बीच में है, अर्थ के बीच में। तो यहां पर इस जगह पर सन की लाइट कैसी पड़ेगी? एकदम सीधी। यानी अगर मैं बात करूं पूरे ईयरली, पूरे ईयरली इस बीच वाले पोर्शन पर, इस बीच वाले अर्थ, इस बीच वाले अर्थ के पोर्शन पर सनलाइट जो होती है वो क्या करती है? इंपैक्ट करती है, सीधा इंपैक्ट करती है। क्या करती है? सीधा इंपैक्ट करती है। सीधा इंपैक्ट करने की वजह से इस वाले रीजन में, इस वाले जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी। इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन। का क्या जाता है? क्या कहा जाता है? तो अगर मैं आपको कहूं कि अर्थ में इक्वेटर के दोनों साइड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट कंजम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सन के सीधे होता है, ये सन के सामने होता है, यहां सन की रेस सीधी इंपैक्ट करती है पूरे साल भर, पूरे साल भर। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इस वाले जोन की, अगर बात करूं इस वाले जोन की और इस वाले जोन की, तो क्या मैं आपको बताओ कि सनलाइट यहां इंपैक्ट सीधा करेगी क्या? नो सर। सर कभी कभी पोजीशन में कर भी सकती है, कभी करेगी, कभी कभी करेगी, कभी नहीं करेगी। तो अगर बात करूं यहां पूरे साल इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म है। यहां कभी करता है, कभी दैट मीन्स यहां का टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर होगा। क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर से कम, ना तो बहुत ज्यादा ना ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंड। तो इस वाले जोन को क्या कहेंगे हम? टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। और ये वाला जोन भी क्या कहलाएगा? टेम्परेट जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेम्परेट जोन कहलाएगा। क्लियर इतना? अब बात करेंगे इस वाले रीजन की, तो आप देखो सन की रेज हमेशा यहां से सीधे निकल जाएंगी। यहां भी अगर मैं बात करूं तो सन की रेज हमेशा ऐसे सीधे निकल जाएगी, है ना? यहां भी सीधे निकल जाएगी। तो सन की रेज जो है मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम जो है वो पोल्स पर पड़ती है। कहां पड़ती है? कम से कम पड़ती है। इसलिए जो है पोल्स क्या होते हैं हमेशा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। इसीलिए आपको पता है कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में बहुत ज्यादा बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
बर्फ पाई जाती है। अब ऊपर वाले सर्कल में जब देखेंगे, बड़ी क्लासेस में हम आएंगे, तो आप समझेंगे कि इस वाले रीजन में हमेशा ये होती है। अब बर्फ जमाने का काम कौन करता है? फ्रिज। तो इस जोन को क्या कहते हैं? इस जोन का नाम क्या है? इस जोन को क्या कहा जाता है? इस जोन को क्या कहा जाता है? फ्रिजिट जोन। और ये भी क्या कहलाएगा हमारा? फ्रिजिट, फ्रिजिट जोन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेटर से, कहां से नीचे आऊंगा पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? और अगर मैं इक्वेटर लाइन से ऊपर जाऊंगा पोल की तरफ तो क्या होगा? तो भी घटेगा, तो भी डिक्रीज होगा। अगर मैं इस पोल से इस इक्वेटर लाइन की तरफ जाऊं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर इस पोल से इक्वेटर लाइन की तरफ आऊं तो बढ़ेगा। तो अब हम बात करेंगे अर्थ पर कितने हीट जोन हो गए? कितने हीट जोन है अर्थ पर? अर्थ पर कितने हीट जोन है? कितने हीट जोन हुए? पहला कौन सा था? टॉरिड जोन। पहला क्या होता? सेकंड वन क्या था? क्या था? टेम्परेट, टेम्परेट जोन था सर। एंड थर्ड वन इज कौन सा जोन था? फ्रीजिड जोन। इनमें सबसे, अगर बात करूं सबसे हॉट कौन सा था? सबसे ज्यादा गर्मी कहां हो रही थी? कहां हो रही थी? टॉरिड जोन में। ये कहां से कहां तक था? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर कहां तक था? 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक। अगर मैं बात करूं टेम्परेट जोन की, तो ये क्या है? मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट है। मॉडरेट मीन्स ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा, तो ठीक है ना। तो ये कौन सा है? और फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन कहां है? दोनों पोल्स के पास। कहां है दोनों? और ये जो है सबसे ज्यादा कोल्ड होता है। क्या होता है? मतलब इस एरिया के अंदर आने वाले जो जहां चीजें हैं वहां मोस्टली क्या होती है? बर्फ होती है। क्या होती है? मोस्टली बर्फ होती है। इतना क्लियर है आपको? आपको तीनों हीट जोन क्लियर हो गए हैं? ओके। तो नाउ अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की। किनकी बात करेंगे हम? इंपॉर्टेंट, हम किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। चलो, मैंने आपको, अगर ये अर्थ है, क्या है ये? मैंने आपको क्या कहा था? अर्थ है। ये क्या है? और मैंने जो आपको बीच में जो एक बताया था उसको क्या कहा था मैंने? जीरो डिग्री को क्या कहा था मैंने? प्राइम मेरिडियन। क्या कहा था? क्या कहा था? प्राइम, प्राइम मेरिडियन। क्या? जीरो डिग्री क्या था? प्राइम मेरिडियन। सर ये प्राइम मेरिडियन किस काम में आती है? तो आपको मैं बता दूं कि अर्थ पर टाइम कैलकुलेशन, क्या आप आपकी घड़ी देख रहे हो ना कि 5 बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, ये टाइम कैलकुलेशन किसकी हेल्प से किया जाता है? पूरे वर्ल्ड का। किसका? पूरे वर्ल्ड का जो है वो टाइम कैलकुलेशन जो होता है वो किसकी मदद से होता है? लॉन्गिट्यूड की मदद से। किसके मदद से? अब आपको पता है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आप बचपन से सुनते आए होंगे कि जब इंडिया में दिन होता है तब अमेरिका में क्या होती है, ऐसा सुना है आपने? तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो जो ये जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल टाइम जोन। क्या बोला जाता है? मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है? प्राइम मेरिडियन की कहा जाता है। ऐसे अलग अलग देशों की, जैसे ये क्या है? जीरो डिग्री पर है। ऐसे अलग अलग देशों की, तो मैं कहता हूं यहां इंडिया है, यहां क्या है? यहां क्या है? ये प्राइम मेरिडियन समझ में आया है? यहां क्या है? इंडिया। तो इंडिया की तरफ, या सॉरी, इंडिया में जो पेरेडियन आती है, जो स्टैंड, जो लॉन्गिट्यूड निकलता है इंडिया के सेंटर से, जो लॉन्गिट्यूड निकलता है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री। कितनी डिग्री? 82.5। अब मैंने कहा था कि प्राइम मेरिडियन दो पार्ट में बांटती है, ईस्ट पार्ट में एंड वेस्ट पार्ट। तो ये इंडिया कौन से पार्ट में दिख रहा है? कौन से पार्ट में? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ईस्ट लॉन्गी। अब मेरे को एक बात बताओ, सन जो है ईस्ट से निकलता है या वेस्ट से निकलता है? कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। मान लो इसको मैं हटा देता हूं, इधर से क्या निकलेगा? सन। इधर से क्या निकलेगा? तो मेरे को एक बात बताओ, सन जो है पहले यहां उजाला होगा, सन की रेज यहां गिरेगी या यहां गिरेगी? ईस्ट पार्ट में। मान लो तो ईस्ट पार्ट में सूरज पहले उग जाता, मतलब जो पोर्शन सन के ईस्ट में होता है उस पोर्शन में जो है क्या हो जाता है?
टाइम जो है अर्थ जो है सुबह जल्दी हो जाती है। अब सुबह कैसे सर, जो लाइट जब गिर जाती है उजाला हो जाता है तो हम कह देते हैं इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। तो अब हम देख रहे हैं, सुनना है मेरी बात को, बात करेंगे। तो ये जो होता है इस वाले पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, कैसे पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहां पहले सन की रेस पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, दैट मीन्स कि यहां सबसे पहले उजाला होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां, फिर यहां, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे को एक बात बताओ, अर्थ के इंडिया के, इंडिया के इधर की साइड में, इंडिया के वेस्ट की साइड में जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज से पहले इंडिया में जो है वो सनराइज होगा, क्लियर है ना, इंडिया से पहले इधर इधर वाली जितनी भी कंट्री है इससे जो है पहले होगा। तो मैंने क्या कहा, इंडिया की जो अगर बात करूंगा टाइमलाइन की, क्या बात करूंगा इंडिया की, वो कितने डिग्री पर है, 82 एंड और इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सही इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंडिया स्टैंडर्ड। तो अभी आपने देखा कि इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड। अब देखो मैं को एक बात बताओ, इधर सुबह जल्दी होती है, इधर उजाला जल्दी हो जाता है, तो टाइम किसका ज्यादा रहेगा, इसका के इसका, ईस्टर्न पार्ट का रहेगा ना। तो अगर मैं बात करूं कि जीरो डिग्री पे जो है प्राइम मेरिडियन है, ये यहां माना जाता है जीरो टाइम, क्या माना जाता है, जीरो टाइम माना जाता है, क्या माना जाता है, जीरो टाइम। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया से निकल रही है, जो कहां से निकल रही है, इंडिया से निकल रही है, इसका टाइम माना जाता है +5:30, क्या माना जाता है, +5:30। दैट मींस कि इस वाली लाइन से जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड से वेस्ट ईस्ट में होने के कारण इंडिया का टाइम जो है इस लाइन के टाइम से कितना आगे चलता है, 5 आवर एंड 30, कितना आगे चलता है, 5 आवर एंड 30। दैट मींस कि अगर मैं कहूं कि इस वाली लाइन पर 12 PM हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 12 PM, तो यहां इंडिया में क्या होगा, 5 आवर 30 मिनट PM, क्या होगा, ओके क्लियर, समझ में आ गया। दैट मीन इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि यहां 12 बज रहे हैं तो इससे 5, 5.5 घंटे ज्यादा बजेंगे, 5 आवर एंड 5.5 आवर जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बात करूं यहां 1 बज रहे हैं, यहां क्या बज रहे हैं, तो यहां कितने बजेंगे, यहां बज जाएंगे 6:30, क्या बजेंगे, क्लियर इतनी बात। चलिए आप अब हम आगे बात करते हैं। तो आप इनको एक बात पता है, द कंट्री ऑफ सनराइज किसे कहा जाता है, द कंट्री ऑफ सनराइज यानी सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, कहते हैं जापान को, किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है द कंट्री ऑफ सनराइज, द कंट्री ऑफ सनराइज। पता है क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता होगा, कहा जाता है कि जापान में सबसे पहले सनराइज करता है। तो मैंने आपको अभी अर्थ बताया था, जापान कहां होगा, इस वाले पोर्शन में, इसीलिए जो है सबसे पहले यहां सन की रेज पड़ती होंगी, इसीलिए यहां सबसे पहले दिन हो जाता है, ओके क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर अमेरिका में दिन और रात की बात करते हैं, अमेरिका में क्या बात करें, सर हमने बचपन से सुना है, हमारी इच्छा है, एक बार बताओ क्या जब इंडिया में दिन होता है तब अमेरिका में रात कैसे होती, चलो तो ये बीच वाली लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, दैट इज प्राइम मेरिडियन, ये क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन, कितनी डिग्री, जीरो डिग्री, कितनी डिग्री, कितनी डिग्री, जीरो डिग्री। सर मान लो ये इंडिया है और इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो निकलती है वो कहां निकलती है, 82 एंड हाफ डिग्री। ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सा, ये बात करूं तो क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है इतना क्लियर है। अब बात करेंगे सर अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में, तो मैं कहूंगा अमेरिका जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहां है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहां है सर। अब यहां मान लो 12 बजे हैं, क्या बजे हैं, तो यहां कितने बजेंगे, 5 एंड 30 बजेंगे। अब ये जो 12 है इधर आएंगे तो क्या बचते जाएंगे, इससे कम होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, तो अगर मान लो यहां कितने हो जाएंगे, यहां भी मान लो कि अगर मैं 5:30 ही मान लूं, क्या मान लूं, 5, तो या 5:30 ना मानते हुए इसको 4:30 कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, इधर जैसे जैसे जाऊंगा मैं टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इधर जाऊंगा वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। अगर आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड में मूव करेंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होता जाएगा, टाइम
घटता जाएगा। तो अब आरक मेरे को एक बात बताओ, ये अमेरिका की लोकेशन है, यहाँ कितने बजे हैं? 4:30। इधर बजे हैं 4:30 PM। क्या बजे हैं? 4:30 PM। तो इधर क्या बजेंगे? 5:30 AM। मतलब इंडिया के टाइम में ऑलमोस्ट लगभग लगभग 11 आवर्स का गैप है। कितना गैप है इंडिया और अमेरिका के टाइम के बीच में? 11 आवर्स का। दैट मीन अब दिन और रात कितने घंटे के होते हैं? 12-12 घंटे के। दैट मीन्स लगभग लगभग आपके अमेरिका के टाइम में और इंडिया के टाइम में क्या हो गया डिफरेंस? 1-12 घंटे का लगभग लगभग टाइम हो गया, यानी डिफरेंस हो गया दिन और रात का। तो आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। yes, ये आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।